करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, करारी हार पर मंथन कांग्रेस की ओर से की जाएगी। कांग्रेस विधायक दल की जयपुर में आज एक बैठक होनी है। 11 बजे पीसीसी में एक बड़ी बैठक होगी जिसमें डोटासरा से लेकर अशोक गहलोत और रंधावा समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। डोटासरा ने नव निर्वाचित विधायकों को पीसीसी में बुलाया है। प्रदेश चुनाव के ऑब्जर्वर सहित कई नेता भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में पार्टी हार के कारणों पर चर्चा करेगी। इस पर मंथन किया जाएगा कि आखिर हार के पीछे क्या वजह रही होगी, क्योंकि पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। जैसा कि तस्वीरें से पहले आप लगातार देख रहे थे, चुनाव से बहुत पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। पर्यवेक्षक भेजे गए, लगातार बैठकों को लेकर कई रणनीति बनाई गई, कई मुद्दे उठाए गए, तो साथ ही साथ कई और अहम जो जरूरी तैयारियां होती हैं उन्हें भी किया गया। लेकिन इसके बावजूद पार्टी को करारी हार मिली है, जिसी को लेकर सुबह 11 बजे से बैठक की शुरुआत होगी। एक बड़ी बैठक जहां पर कारणों को लेकर मंथन किया जाएगा, उन कारणों को लेकर जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। नव निर्वाचित विधायकों से चुनाव के लिए फीडबैक भी लिया जाएगा। अभी जो विधायक हाल ही में निर्वाचित हुए हैं, जो विधायक बने हैं, उनसे भी चर्चा की जाएगी। तो इसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत से लेकर रंधावा भी मौजूद रहेंगे, डोटासरा भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ जो नव निर्वाचित विधायक है वो भी मौजूद रहने वाले हैं। सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, तमाम कोशिशों के बावजूद भी पार्टी को हार मिली है, आज इसी को लेकर मंथन किया जाना है, क्या जानकारी इसे लेकर? जी देखिए, थोड़ी देर बाद में पीसीसी दफ्तर में कांग्रेस पार्टी के जो नव निर्वाचित विधायक हैं वो पहुंचने वाले हैं। निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहां पर आएंगे। सुखजिंदर रंधावा जो प्रदेश के प्रभारी है वो भी पहुंच रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा को ऑब्जर्वर बनाया गया था चुनाव के लिए, वो भी पहुंच रहे हैं और चीफ गोविंद डोटासरा भी शामिल होंगे। तो हार यानी कि ज्यादा बुरी हार नहीं, कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा सकती है, एक मजबूत विपक्ष दिया प्रदेश की जनता ने। लेकिन ये हार जो है अशोक गहलोत को हमेशा परेशान करती रहेगी, क्योंकि ये उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव था जिसमें वो रिपीट कर सकते थे और काम भी बहुत अच्छा किया था सरकार ने, लेकिन जनता भरोसा नहीं कर पाई सरकार की योजनाओं पर, सरकार की स्कीम्स पर, सरकार की गारंटियों पर। इसलिए सत्ता से उन्हें बाहर होना पड़ा और राजस्थान में रिवाज बरकरार रहा हर 5-6 साल में सत्ता के बदलने का। तो जो ट्रेंड था वो जनता के जहन में था, जनता शायद 5 साल में एक तरह से ऊब जाती है वर्तमान की सरकार से, इसलिए एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई है, बीजेपी आई है। तो किस तरह से अब आने वाले दिनों में जनहित के मुद्दों को कांग्रेस पार्टी उठाएगी, लोकसभा चुनाव से पहले फिर कैसे अपनी स्थिति को मजबूत करेगी, तो इन इश्यूज पे चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। हो सकता है आज इसमें कोई ज्यादा बात ना हो, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का चयन आमतौर पर जब विधानसभा का सत्र शुरू होता है उसे ठीक पहले किया जाता है। तो अभी कांग्रेस पार्टी हार के कारणों की समीक्षा करेगी, जो नवनिर्वाचित विधायक है उनसे फीडबैक लेगी, उनसे जानेगी कि हम हारे क्यों जब इतना अच्छा किया गया था, सब कुछ इतना बेहतर किया गया था। तो अभी तो हार से उबरने में कांग्रेस पार्टी अपना ध्यान लगाना चाहती, ताकि लोकसभा के चुनाव पर उसके मोराल में, उसके मनोबल पर कोई फर्क ना पड़े और वो फिर से उसी ताकत के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में लोकसभा चुनाव में उतरे, क्योंकि मोदी की लहर का सामना करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। और मोदी की लहर ही, मोदी मैजिक ही कांग्रेस पार्टी पर विधानसभा चुनाव में भारी पड़ गया। तो कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी। बिल्कुल बाबूलाल, हार को लेकर समीक्षा भी जरूरी है ताकि आगे इस तरीके से हार ना मिले, क्योंकि अभी भी कई सारे चुनाव बाकी हैं, लोकसभा के चुनाव हैं और साफ तौर पर इस बार कांग्रेस चाहेगी कम से कम लोकसभा चुनाव में राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन रहे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।